हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं टेक्निकल कुरंगा जी। दोस्तों, आज जो है मैं एक वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में बताऊंगा, जिससे जो है आप अपनी यूट्यूब वीडियो को या फिर आप कोई भी वीडियो अगर भी जो है एडिट करना चाहते हैं तो उसे जो है कर सकते हैं। आप जो है कैन मास्टर को जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मगर वहाँ पर जो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको वाटरमार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहें तो गूगल से जो है मोड एपीके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा, मगर ये जो है आपको आपकी सिक्योरिटी को ज़रा नुकसान भी पहुंचा सकता है, और जो है आप चाहें तो कर सकते हैं डाउनलोड। तो जैसे ही आप कैन मास्टर को जो है यहाँ पर ओपन करते हो, तो यहाँ पर ये अलाउ का ऑप्शन आता है, जो कि मैंने अलाउ कर दिया है इसलिए यहाँ पर नहीं दे रहा। तो सबसे पहले बात करूँ, आपको स्क्रीन पर जो है चार ऑप्शन दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एक चक्रिका सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाता हूँ। सेटिंग में यहाँ पर मेरे अकाउंट के बारे में बता रहा है, और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है अबाउट कैन मास्टर, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स होगी कौन सा वर्जन है, और यहाँ पे डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा जो डिवाइस है रेडमी वाई वन एंड्रॉयड 7.1 पर रन कर रहा है, और जो है मैं मैक्सिमम जो है 1080p की जो है वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे फोटोज़ का जो स्लाइड टाइम होता है ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो मैं इसे कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉपिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, कैन बर्नर को अपने हिसाब से आप जैसे सेट करना चाहें वैसा कर सकते हैं, फिट टू स्क्रीन, फिल द स्क्रीन, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और लेयर का ऑप्शन भी है यहाँ पर, कि आप अगर कोई लेयर लगाते हैं तो उसकी इमेज की लेयर लगाते हैं तो यहाँ पर जो है कितनी देर की रहेगी यहाँ पर। और यहाँ मीडिया ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके बारे में बाद में बात करूँगा, फिलहाल मैं जो है और चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग सोर्स, आप जो वॉइस या कैमकॉर्डर जैसे भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट प्रोजेक्ट लिस्ट बाई डेट के हिसाब से रिकॉर्ड ऑडियो लोकेशन, इस हिसाब से यहाँ पर नॉर्मल सी सेटिंग है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इसके फ्रेम रेट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर 30 जो हाइस्ट है यहाँ पर मेरे उसमें, यहाँ पर बेसिक करता हूँ। अब इसके बाद मैं चला जाता हूँ सेकेंड में, यहाँ पर इसके बारे में कुछ ऐसे नहीं, जो अपनी वेबसाइट पर रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं इसे नहीं करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर जो है ईमेल सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए यानी कि कोई दिक्कत आती है उसमें जाके कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन मुद्दा है इसमें जाता हूँ, वहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इसी के बारे में कुछ ये दिखाएगा तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। फटाफट से इसमें जो है एकदम से बन जाते हैं, मगर मैं इसमें एम्पटी प्रोजेक्ट में जो है अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो इसमें जाएंगे। यहाँ पर आप इंटरफेस इस तरीके का देखेगा, यहाँ पर आपको एक गोले के अंदर जो है लेयर, मीडिया ब्राउज़र, ऑडियो और वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले जो अगर मैं लेयर का पहले यूज़ करूँगा तो ये बोलेगा कि पहले जो है किसी क्लिप या किसी इमेज को जो है चलाओ। तो यहाँ पर मैं सब मीडिया ब्राउज़र में क्लिक करता हूँ, और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप के पास कोई फ़ोटो नहीं तो आप बैकग्राउंड में जो है अपने हिसाब से फ़ोटो लगा सकते हैं, और जो उसके बाद जो है जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई फ़ोटो लगा के दिखा देता हूँ, फ़ोटो भी जैसे मेरा बेबी है तो मैं यहाँ पे दो फ़ोटो ले लेता हूँ उसकी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जूम आउट जूम इन हो रहा है, तो इसे आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपली क्लिक करता हूँ, और जो है यहाँ पर क्रॉपिंग के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है ना इसमें जो मैं इसे जो मैं एक जगह फिक्स कर लेता हूँ, यानी कि इसे जो मैं फिक्स करके जो है आपका, और इसको भी जो मैं एकदम से फिक्स कर लेता हूँ, जैसा मर्जी वैसा मैं इसको कर सकता हूँ। इसके बाद जो है एकदम सेम रहेगा, और जो है ऊपर नीचे नहीं हिलेगा, यानी कि जैसा था वैसे ही रहेगा। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, अब मैं इसे चलाता हूँ, तो देख सकते हैं आप जो फोटो एकदम सेम टू सेम रह गई है, जैसे पहले एकदम जूम आउट जूम नहीं हो रही वैसा नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो तो ये वाली फ़ोटो को मैंने नहीं किया तो ये जूम इन जूम आउट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में, जैसे फ़ोटो में क्लिक किया तो ऊपर या कैंची के बगल में जो है देख सकते हैं, दोनों में जो है अगर आप सेम जिस यहाँ पर स्टार्ट इमेज और एंड इमेज पोजिशन को आप जो है अगर सेट कर देंगे तो वो अगर सेम रहेगी तो वो जो है वहाँ पर कुछ भी इधर उधर मतलब कि आपका
मूवमेंट नहीं करेगा। तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ और अगली बात करूँ मैं इसमें दोबारा क्लिक, यहाँ पर कैची का ऑप्शन है, कैची के ऑप्शन से जो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, मैंने किधर लेफ्ट साइड का करना है, मतलब किस साइड का करना है, यहाँ पर राइट राइट ऑफ प्लेहेड और बीच में से खाली कट करने हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। जो जिस तरीके से आपको कटवाना है, काटना है, उस हिसाब से आप कटवा सकते हैं, यानी काट सकते हैं। और यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं रोटेट हो जा रही है फ़ोटो, और ये चीज़ आप कर सकते हैं कहीं को भी। और अगली बात करूँ मैं यहाँ पर है क्लिप इफेक्ट, यहाँ पर नॉन है, तो मैं यहाँ पर जो एक सेलेक्ट करता हूँ, देखो आप यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ये देखो अलग अलग से इफेक्ट हैं। आप जो है अगर आप अपनी वीडियोस में अगर कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से जो है अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग तरीके से यहाँ पर जो है देख सकते हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पर मोड इफेक्ट, यहाँ पर बहुत से आपको अलग अलग से मिल जाएंगे, देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप जो है जैसा मर्जी वैसा यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात करता हूँ कलर फिल्टर, कलर फिल्टर में आपको जो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से जो है कलर एडजस्ट कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है नहीं करने वाला इसमें। और जो है अगला है आपका कलर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सेट कर सकते हैं, मैं नॉर्मल में रहने दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बस अभी फिलहाल, और बाद में जो मैं इसकी एडिटिंग करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर क्रोमा की बहुत सी ऑप्शन है, आपको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट कैसे देते हैं, सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो है एक विकनेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर जो है आप जो है एक शेडो दे सकते हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर ये वो टेक्स्ट था इस फोटो में आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये एकदम से क्लोज फोटो है, ये देखो आप जो एक शेडो दे सकते हैं, जिससे जो है आप अपने हिसाब से अगर अच्छा लगे तो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं, तो यहाँ पर मैं ठीक है, यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, चाहे तो आप अपनी वॉइस को जो है रिकॉर्ड करके जो है बोल सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, या उसके बाद यहाँ से ऑडियो जो है आप डाल सकते हैं। और जो है लेयर का ऑप्शन में आप जो है किसी इमेज को जो है इमेज या फिर स्टिकर टेक्स्ट जैसे मर्जी वैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ से जो अगर आप स्टिकर चाहते हैं तो स्टिकर लगा सकते हैं, इमेज चाहते हो तो इमेज लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ आपको जो है इमेज लगा के दिखा देता हूँ एक, तो इमेज में मैं जो मैं अपनी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, बच्ची की फ़ोटो ही डाल देता हूँ, जैसे इमेज है तो इमेज की फ़ोटो जो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, सॉरी इमेज डाल सकता हूँ, यहाँ से जो आप जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। इसको जो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आखिर कैसे कैसे इसे यूज़ करना है, तो फिलहाल मैं अभी आपको नहीं बताने वाला इसके बारे में, अगली वीडियो में सब मैं आपको बता दूँगा। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑन स्टेज, यहाँ पर अलग अलग से तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी से हटा देता हूँ, आप शेयर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अंदर ही बटन मिल जाता है, और जो है यहाँ पर आपको फेड इन फेड आउट जैसा भी आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑटो फेड इन, जब आपकी कोई पिक्चर या वीडियो आती है तो फेड इन यानी कि हल्का फेड होकर आएगा, फेड आउट जैसे अपने हिसाब से आपको जैसा पसंद है वैसा आप कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सी जगह बसती है, यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से सेटिंग सारी की सारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे लेयर्स मिलेंगे, नीचे लाइन से इधर इस क्लिप के नीचे एकदम आते रहेंगे। तो दोस्तों ये था एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन। और हाँ आपको बता दूँ, जैसे आप जो मीडिया ब्राउज़र में आप जब जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एकदम ये फुल व्यू में नहीं आ रहा है, यानी कि एकदम इतना सा दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ से इस तरह से बैक जाके, आप यहाँ से बैक जाके जो है यहाँ से अगर ये सेटिंग कर देते हैं, यहाँ से मीडिया ब्राउज़र ये दोनों को ओपन करते हैं ऑडियो ब्राउज़र, तो यहाँ से जो उसके बाद जो है आप वहाँ जो फुल मोड फुल स्क्रीन मोड में यहाँ पर देख पाएंगे, देख सकते हैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप गए और यहाँ पर जैसे आप ये मीडिया ब्राउज़र में देखो, आप यहाँ फुल स्क्रीन पर यहाँ पर आप जो है अपने जो भी आपके फोटोज हैं उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जो है नीचे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, और अगली वीडियो में आपको जो है इसके ग्रीन इफेक्ट और ये बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे इमेज के लेयर कैसे लगाते हैं, बहुत चीज़ें आपको बताऊँगा कैसे कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, और कैसे अपनी वीडियो को जो है आप बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, आप सब लगा दूँगा अगली वीडियो में।